हेलो गाइस, दिस इज प्रिंसेस डॉली एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट माय टॉप 10 फेवरेट प्रोडक्ट्स व्हिच यू गाइस एक्चुअली नीड ऑन अ डेली बेसिस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट सम प्रोडक्ट्स जो आपको डेली रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में सचमुच लग सकते हैं, या फिर दैट यू एक्चुअली नीड। यू डोंट नीड टू बाय अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच वट एवर यू आर सीइंग ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और वट एवर। यू जस्ट नीड सम बेसिक मेकअप स्टफ जो आप कैरी कर सकते हैं, या फिर यू कैन यूज इट इन डेली रूटीन। सो चलिए सबसे पहले आई एम गोना रिकमेंड वन प्रोडक्ट विच इज़ अ मस्ट फॉर मी, एंड इट इज़ लाइक वेरी नॉन मेकअप डेज के लिए भी बहुत ईजी गोइंग रहता है ये। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट, इट इज़ अ कंसीलर, एंड आई एम लाइक आई कैन वॉच फॉर दिस कंसीलर विच इज़ फ्रॉम मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर। लाइक इट इज़ अ मल्टी यूज कंसीलर, यू कैन लिटरली डू योर होल फेस विद दिस ओनली वन छोटा सा प्रोडक्ट। यू कैन सी दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट टू फिनिश, इतना सही बचा है। एंड या आई जस्ट लव दिस कंसीलर्स, लाइक बहुत ही कवरेज देता है। इट हैज़ वेरी बिल्डेबल टू लाइक मीडियम कवरेज, और यू कैन डू होल मेकअप, या आप जब नॉन मेकअप डेज होते हैं, आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है, जस्ट आई वॉन्टेड सम फ्रेशनेस ऑन योर फेस, यू कैन जस्ट यूज़ दिस वन प्रोडक्ट एंड लॉक इट विद फेस पाउडर एंड यू आर रेडी टू गो। एंड माई नेक्स्ट वन विल बी अ फाउंडेशन डेफिनेटली। अगर आप फाउंडेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपको कहीं शादी में जाना है या फंक्शन में जाना है, तो यू नो यू वांट लिट ऑफ कवरेज एंड यू वांट दैट फ्लॉलेस काइंड ऑफ अ स्किन। सो ऑन दैट ने नो डेज यू विल नीड अ फाउंडेशन, एंड आई रियली लव दिस वन फ्रॉम मेबेलिन फिट मी। आई यूज 330 शेड फाउंडेशन एंड अ कंसीलर, इट्स लाइक परफेक्ट मैच, बोथ आर फ्रॉम मेबेलिन। क्रीजलेस फाउंडेशन फाउंडेशन है, कंसीलर है बहुत ही, और यू ह्यूमिड वेदर में अगर आप जाते हैं या फिर अगर आप कहीं शादी में जा रहे हैं तो बहुत पसीना आने वाला है, यू नो ऑयली फेस होने वाला है, तो दिस फाउंडेशन इज़ लाइक वेरी हैंडी व्हेन इट कम्स टू यू नो ह्यूमिड वेदर और ऑयली स्किन। बहुत ही मैटिफाइंग फाउंडेशन है, लाइक इट एक्चुअली ब्लर्स आउट योर पोर्स एज वेल। सो दिस इज़ लाइक जिन्हें मेकअप आता भी नहीं है वो भी इस फाउंडेशन से बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट जस्ट मेक श्योर आप अपना शेड अच्छी तरह से जांच करके ले लें, सो देन आई थिंक यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग विद दिस वन प्रोडक्ट। सो या माई नेक्स्ट वन विल बी दिस फाउंडेशन। नेक्स्ट इज़ चाहे कंसीलर हो या फाउंडेशन हो, इसे अच्छी तरह से पैक करने के लिए हमें एक पाउडर की ज़रूरत होती है। सो यू कैन यूज़ लूज पाउडर्स, बट व्हाट आई प्रीफर हियर कि अगर आप यू नो देर आर डेज वेन आपको कंसीलर नहीं यूज़ करना है, फाउंडेशन नहीं यूज़ करना है, यू जस्ट वॉन्ट टू बी योर सेल्फ, और उस टाइम पर आपको एक हल्का सा यू नो मैटिफाइंग फेस चाहिए होता है, जिसके लिए यू नीड अ कॉम्पैक्ट पाउडर जिसमें थोड़ा बहुत तो कवरेज होता है। ऑफकोर्स यू नो इट डबल्स अप एज पाउडर फाउंडेशन एज वेल, बिल्कुल भी केकी नहीं होता है, इट इज़ डेफिनेटली पाउडर, यू कैन सी इट्स लाइक पाउडर इट सेल्फ बट लिटिल बिट कवरेज के साथ। अदरवाइज यू नो लूज पाउडर्स वगैरह आते हैं जिनमें कवरेज नहीं होता है, बट दे आर ऑल्सो वेरी नाइस जस्ट टू लॉक योर फाउंडेशन एंड कंसीलर। बट अगर आपको थोड़ा सा कवरेज चाहिए होता है तो उसके लिए यू यूज़ दिस काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर्स जो कि बहुत अच्छी तरह के शेड में आते हैं। इसमें भी शेड्स होते हैं, ये भी आपको अगर शेड में अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आई यूज़ दिस टू, आई हैव वन फ्रॉम मैक स्टूडियो फिक्स इन द शेड NC45 एंड वन फ्रॉम फिट मी, इट इज़ फ्रॉम द शेड 330, राइट। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, यू जस्ट नीड अ पफ लाइक दिस और एनी थिंग और अ ब्रश, टैप ऑफ एंड यू कैन जस्ट, एंड दिस काइंड ऑफ फेस पाउडर्स और कॉम्पैक्ट्स आर वेरी मच हैंडी फॉर यू नो फॉर ऑन द गो टचअप्स। अगर आप कहीं जा रहे हैं एंड यू फील दैट समवेयर यू नीड टू फ्रेशन योर मेकअप लिटिल बाय लिटिल बिट, सो यू कैन जस्ट टेक दिस काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड जस्ट फ्रेशन अप योर मेकअप ऑन द गो। सो या दिस फॉर दिस मैटर आई थिंक फॉर योर फेस कॉम्पैक्ट पाउडर आर अ मस्ट फॉर श्योर। सो माई नेक्स्ट वन विल बी ब्लशेस कॉन्टोर्स एंड आई शेडोज, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफकोर्स लाइक यू नो जब हम फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ करते हैं तो आवर फेस टेंड टू बिकम वेरी फ्लैट, एंड उसमें की जो शेडोज़ वगैरह होते हैं या फिर कटिंग्स वगैरह होती है तो वो उसमें नहीं दिखती है, आपका फेस पूरा फ्लैट दिखने लगता है। तो फॉर दैट मैटर आपको
कॉन्टोर यूज़ करना होता है, ब्लशर यूज़ करना होता है, एंड फॉर दैट ब्लशर आई हैव वेरी मच अफोर्डेबल ब्लशर, इट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसमें लिटरली आई जस्ट लव इट, इसमें हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं होती है, यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ शाइन इन इट, सी हाइलाइटर इन्फ्यूज काइंड ऑफ ब्लशर है, इट इज़ जस्ट वेरी मच अफोर्डेबल एंड यू जस्ट ऑन द गो, आपको ये बहुत ही नेचुरल फ्लश दे देता है आपकी स्किन पे। तो या माई नेक्स्ट वन इज दिस, जस्ट टू एड अ लिटिल बिट ऑफ पॉप अप ऑन योर स्किन एंड या लिटिल बिट ऑफ फ्रेशनेस ऑन योर स्किन एज वेल। सो माई नेक्स्ट वन विल बी, आई एम नॉट एडिंग वन मोर स्टेप ओवर हियर फॉर कॉन्टोर। आपको क्या करना है, इस कॉन्टोर पैलेट अलग लेने से अच्छा है अगर आप मेकअप आर्टिस्ट या फिर आप अगर कंटिन्यूसली मेकअप नहीं करते हैं तो आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती होगी, राइट। तो यू वॉट यू गाइज विल डू विथ दिस नाउ, आपको सिर्फ इस तरीके का एक आई शेडो पैलेट लेना है, वेर यू हैव वेर यू सी दिस काइंड ऑफ न्यूड शेड्स, जिसमें एक यू नो म्यूटेड वार्म हाइलाइटर टाइप का एक शिमरी शेड भी होगा, यू नो न्यूड शेड भी होंगे। वेयर नाउ आप इस तरीके का जो ब्राउन शेड है वो एज अ कॉन्टोर यूज़ करेंगे, और बाकी के जो है लाइक रेड एंड यू नो दिस न्यूड शेड्स यू कैन यूज़ इट एज आई शेडोज एज वेल, और इसमें का जो शिमरी शेड है यू कैन यूज़ इट एज अ हाइलाइटर। सो इस तरीके का जो पैलेट आता है जो बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट, इट इज जस्ट फॉर रुपीज 250 एंड फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इस तरीके का यू नो मल्टी यूज़ करना चाहिए प्रोडक्ट्स को, ताकि यू नो यू कैन सेव ऑन योर मेकअप प्रोडक्ट्स। मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, यू जस्ट नीड टू गेट द टेक्निक्स राइट एंड यू आर रेडी टू गो, राइट। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। सो या दैट्स व्हाट यू कैन डू अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं तो, एंड इफ यू आर ऑन इफ यू डू मेकअप ऑन रेगुलर बेसिस और आपको फुल फेस मेकअप करना है तो यू कैन डेफिनेटली गेट दोज लाइक हाई एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स, बट यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर आपने एक ही पैलेट लिया है एंड बहुत सारी चीज़ें आप उसमें से इस्तेमाल कर रहे हो, उससे आपका पैलेट जो है मेकअप प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म भी होता है ऑफकोर्स, और यूज़ भी होता है लेकिन अच्छी तरह से डेवलप करके यूज़ होता है, विच इज़ वेरी नाइस। सो या माई नेक्स्ट वन विल बी दिस छोटू सा आई शेडो पैलेट विच कैन बी यूज एज अ कॉन्टोर, एज अ हाईलाइटर, एज अ आई शेडो, लाइक सो मेनी थिंग्स। या सो वी हैव 5 प्रोडक्ट्स डाउन एंड माई नेक्स्ट वन विल बी आई थिंक काजल तो हम सभी यूज़ करते हैं ऑफकोर्स, इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप काजल इज़ अ मस्ट फॉर एवरी गर्ल। सो या आई एम एडिंग वन काजल पेंसिल ओवर हियर, आई थिंक इफ अगर कोई नहीं भी यूज़ करता है इट इज़ ओके, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस काइंड ऑफ काजल पेंसिल्स एज आई लाइनर्स एज वेल, तो आपको ज़्यादा अलग से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके की काजल पेंसिल से यू कैन ईजिली यू नो ड्रॉ दिस काइंड ऑफ आई लाइनर्स एंड यूज इट एज आई लाइनर्स और वॉट। सो या दिस काइंड ऑफ काजल पेंसिल इज माई नेक्स्ट वन, 6th प्रोडक्ट, एंड विथ काजल ऑफकोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट अ नाइस अफोर्डेबल मस्कारा ऑफकोर्स। सो हियर आई हैव 2 रिकमेंडेशंस, अगर आपको बहुत ज़्यादा यू नो कि आई लैशेज बहुत छोटी हैं या फिर अगर आपको बहुत ही लिफ्टेड आई लैशेज चाहिए तो यू कैन गो विद दिस स्विस ब्यूटीज प्रिसिशन मस्कारा, जो कि बहुत ही इस तरीके से इसका वॉन्ड है, बहुत ही लिफ्ट कर देता है आपके आई लैशेज को। बट अगर आपको बहुत ही नेचुरल से आई लैशेज चाहिए होंगे तो यू कैन गो फॉर दिस लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा, बहुत ही नेचुरल सा इफेक्ट देता है, लाइक यू डोंट इवन फील दैट यू आर एक्चुअली वेयरिंग एनी मस्कारा ऑन योर आई लैशेज, इतना ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट देता है, बट एट द सेम टाइम इट एक्चुअली लिफ्ट्स अप योर आई लैशेज वेरी वेल। सो या दिस 2 आर माई मस्कारा रिकमेंडेशंस। नाउ माई 8th प्रोडक्ट विल बी लाइक मैं एक ऐसा पैलेट बताऊँगी ये आप पर आपको लाइक माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट। लाइक अगर आप फुल फेस मेकअप नहीं करते हैं तो आई डोंट थिंक दिस विल यू विल नीड दिस प्रोडक्ट, बट आई जस्ट शो यू व्हाई यू नीड दिस। अगर आपका यू नो फेस बहुत ही ज़्यादा आपके पास पिगमेंटेशन है या फिर आपकी स्किन पे बहुत एक्नेस मार्क्स है या फिर यू नो डार्क सर्कल्स है तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज दिस कलर करेक्टर लाइक दिस, और हमने यहाँ पर हाईलाइटर जो लगाया है यू कैन सी इट इज़ फेडिंग अवे विद दिस, राइट। ये लगाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा कंसीलर अगर लगा दें तो जो ग्रे दिखता है हमारा मेकअप कभी कभी या फिर यू नो काला पड़ता है, ग्रे दिखने लगता है कई बार, तो ये सिर्फ अगर आप करेंगे तो आपका जो डार्क स्पॉट है या पिगमेंटेशन वो चला जाएगा। सो
यू विल नीड इट ऑकेजनली अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली स्कीप दिस प्रोडक्ट. अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा रेडनेस है या फिर यू नो किसी की चेहरे पर होती है कि धूप से या फिर स्किन क्या प्रॉब्लम से पिंकिश लगने लगता है फेस, या फिर कोई पिंक पिंक यू नो मुहासे आते हैं, पिंपल्स आते हैं विच लुक पिंक, सो उस टाइम पे आप ग्रीन कलर करेक्टर है वो यूज़ करेंगे टू हाइड दैट पिंकनेस, और ये आपकी स्किन को न्यूट्रलाइज कर देगा. सो और इसके ऊपर आप कंसीलर लगा के आपका मेकअप विल बी डन. सो या यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस. और अगर आप फुल फेस मेकअप नहीं करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली नॉट एबल. सो अगर आप फुल मेकअप से तो अगर आप फुल फेस मेकअप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस. और इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट वन, बट या यू कैन एड दिस वन स्टेप अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन इशूज़ है या फिर पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है. माई नेक्स्ट वन विल बी अ वेरी लाइक हमें ये बहुत पहले लेना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन इट्स ओके. आवर नेक्स्ट वन विल बी अ प्राइमर. ऑफकोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट दिस वन, लाइक ये आप कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या फिर अगर आप बहुत ह्यूमिड वेदर में जा रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं बहुत धूप में, तो आई थिंक प्राइमर बहुत ज़्यादा मस्त होता है, क्योंकि ये हमारे जो यहाँ के पोर्स होते हैं उसे ब्लर आउट कर देता है एंड एक काइंड ऑफ अपना मेकअप जो है वो बहुत देर तक टिका रहता है, इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है विथ अ प्राइमर. एंड प्राइमर आपका यू नो स्वेटिंग भी अगर होती है स्वेटिंग को कम करता है, एट द सेम टाइम इससे अपना जो मेकअप है इससे अच्छी तरह से चिपक जाता है एंड बहुत ही जेल लाइक टेक्सचर है, बहुत ही सिलिकॉन टेक्सचर है, यू कैन फील वेरी स्मूथ ऑन योर स्किन और इससे बहुत अच्छी तरह से मेकअप टिकता है. तो फॉर यू इवन इफ यू आर गोइंग इन रेन एज वेल, सो रेन के लिए ह्यूमिड वेदर्स के लिए यू डेफिनेटली नीड अ गुड प्राइमर एंड दिस वन इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. इट्स लाइक अ वेरी इट्स काइंड ऑफ प्राइमर भी है इसमें एंड हैव ऑल्सो काइंड ऑफ मॉइस्चराइज योर स्किन एज वेल. सो या दिस इज़ वन अ मस्ट फॉर मी एटलीस्ट. And my next and last product, which is my 10th product, is definitely, you guys guessed it right, it will be lipstick. Yes. Lipsticks are something like I just love wearing, even if I'm not wearing makeup, not even applying any compact powders or nothing. I just love lipsticks. I just feel that lipstick kind of enhances my face and my mood as well. You can see. Lipstick is something which kind of reflects my soul, I feel. I'm just very lipstick lover and I can't live without this one. So yeah, what you guys need to do is you need to take one nude lipstick with you and one dark shade lipstick with you. So in two lipstick, agar aapke paas honge, ek nude and ek dark color, then ek bright color lipstick yahan par hai. This is a very like red in color, you can see. दोनों ही बुलेट लिपस्टिक है, लाइक इट्स वेरी हाइड्रेटेड काइंड ऑफ लिपस्टिक्स एंड वन इज़ वेरी न्यूड इन शेड. अगर ये दो लिपस्टिक को अगर आप मिक्स एंड मैच करते हैं, थोड़ा बहुत शेड इधर उधर करते हैं, तो यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ न्यू शेड विद दिस टू. तो इन दो लिपस्टिक्स से आई थिंक तीन चार शेड तो ईजिली बन ही जाएंगे, चार पाँच शेड बन सकते हैं अगर आपने कुछ ट्राई अलग किया तो. सो या इन दो लिपस्टिक के साथ यू कैन जस्ट गो अ लॉन्ग वे. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कैरी दिस टू लिपस्टिक्स. And yeah, like sometimes, you know, dark lipstick नहीं suit होती है तो बाहर जाने के बाद we got to, you know, want to change something. तो एक nude lipstick होना बहुत ज़रूरी है. With that as well, बहुत ज़्यादा nude भी अच्छा नहीं लगता कभी कभी, on the basis of mood, of course. So you can just add a little bit of color into your lipstick and you are ready to go. So yeah, that's why I always, you know, carry two lipstick with myself. So yeah, these are my top 10 makeup products which you guys actually need in your makeup vanity or your makeup kit. If you are not a very makeup person, this makeup kit mein bahut zyada high end ka makeup product nahi hai, very cheap agar nahi kahenge to definitely affordable to makeup products hai isme, which are very much good and iski quality bahut achhi hai. So yeah, in sabhi products ke link maine apne description mein dal diye, so you guys check it out. And chaliye milte hain bahut jald. Do let me know in the comments aapko ye video kaisa laga. Chaliye milte hain jaldi. Till then, take care guys and be my love. Bye.